नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं इंडियन आर्मी की भर्ती का इंतजार तो आपके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, इसमें हम हैं इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा कि इंडियन आर्मी में आपके लिए भर्ती निकल चुकी है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत अच्छी वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपके लिए इस भर्ती से रिगार्डिंग ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों, आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 अगस्त यानी कि आज से, 8 अगस्त 2020 से 22 सितंबर 2020 के बीच में स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए भर्ती है, कौन कौन से पोस्ट के लिए भर्ती है, उसके बाद में आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, एजुकेशन, QR, क्या क्या होगा, मैं पूरा आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये दोस्तों इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कोर और RVC। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई है। इस भर्ती में अप्लाई करने को आपको 17.5 से 23 साल तक आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज लिमिट है वो 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना जरूरी है। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर, वेट 50 kg और आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपके पास में इंटरमीडिएट की डिग्री होना जरूरी है, मतलब इंटरमीडिएट आपको पास होना जरूरी है। और इंटरमीडिएट में आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट अनिवार्य हैं। किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए और टोटल जो ओवरऑल परसेंटेज है वो आपकी 50% होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश नहीं है और आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश ये 5 सब्जेक्ट हैं तो अभी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो ओवरऑल परसेंटेज और मिनिमम परसेंटेज है सिंगल सब्जेक्ट की वो सेम रहेगी। तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज 50% और मिनिमम परसेंटेज इन सिंगल सब्जेक्ट 40% होना जरूरी है, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आती है सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल। ठीक है, तो सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर की अगर आप भर्ती देखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, भर्ती आपकी आ चुकी है। एज लिमिट आपके यहाँ पे 17.5 से 23 साल तक ली जाएगी। 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों वो युवा भी भर्ती देख सकते हैं जिनकी हाइट कम है, क्योंकि क्लर्क में दोस्तों 162 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है। आपका वेट दोस्तों 50 kg और आपका जो चेस्ट होगा वो 77 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, आप किसी भी सब्जेक्ट से पास हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास में इंग्लिश होना जरूरी है और ओवरऑल परसेंटेज आपके पास में 60% और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपके पास में 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आती है दोस्तों सिपाही डी फार्मा। तो डी फार्मा की भर्ती के लिए आपको एज लिमिट ज्यादा मिलती है थोड़ी, यहाँ पे 2 साल क्लर्क से भी एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आपकी एज लिमिट है वो 19 साल से 25 साल के बीच में होना जरूरी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1995 से 30 सितंबर 2001 के बीच में होना जरूरी है। आपकी हाइट दोस्तों 170 सेंटीमीटर, वेट 50 kg और आपके जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो आपकी इंटरमीडिएट पास होगी। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में डी फार्मा का डिप्लोमा भी होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट होना आपके पास में जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों आपके पास में डी फार्मा का डिप्लोमा भी होना जरूरी है और डी फार्मा में आपने मिनिमम 50% मार्क्स लिए हो। ठीक है, अगर 55% मार्क्स आपके हैं डी फार्मा में और इंटरमीडिएट में आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश
ये सब्जेक्ट हैं तो आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सोल्जर, क्लर्क, सिपाही डी फार्मा और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर भर्ती निकली हुई है, जिसके दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 8, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस भर्ती की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो 8 अगस्त 2020 टू 22 सितंबर 2020 तक आप किसी भी समय पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये है इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट। उसके बाद में दोस्तों फिजिकल रिक्वायरमेंट इस भर्ती के लिए आपको क्या होगी वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो फिजिकल के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं आप में 4 फिजिकल लिए जाते हैं। नंबर 1 पे 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, उसके बाद में आपसे पुलअप्स लगवाए जाते हैं यानी कि बीम, उसके बाद में 9 फीट डिज और जिगजैग बैलेंस, ये 4 फिजिकल आपसे 4 प्रकार के फिजिकल कराए जाते हैं। 1600 मीटर रनिंग के लिए दोस्तों आपको 2 ग्रुप मिलते हैं। फर्स्ट ग्रुप होता है 5 मिनट 30 सेकंड तक, जिसके लिए आपको 60 मार्क्स दिए जाते हैं, और सेकंड ग्रुप होता है आपका 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक, जिसके लिए आपको 48 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपसे जो चिनअप लगवाई जाती है यानी कि बीम, आपसे 6 बीम अगर आप लगाएंगे तो 16 मार्क्स मिलेंगे, 7 में 21, 8 बीम लगाते हैं तो आपको 27 मार्क्स, 9 लगाएंगे तो 33 और अगर आप 10 बीम लगाएंगे तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर आप 6 बीम लगाएंगे तभी आपको इस भर्ती के लिए पास माना जाएगा। 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस आपको ओनली नीड टू क्वालिफाई करना होता है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन कौन से स्टेट के युवा जो है वो भर्ती देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस भर्ती के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। 8 अगस्त 2020 से 22 सितंबर 2020 के बीच में स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, चैनल पे मैंने अपलोड कर भी दी है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी उस वीडियो को देखकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, इन दोनों वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ये जो भर्ती है वो अलवर एआरओ की तरफ से निकाली गई है राजस्थान। तो ये जो भर्ती है दोस्तों वो दौसा, सवाई माधोपुर, ढोलपुर, करौली, अलवर एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मान्य है। मतलब अगर आप दौसा, सवाई माधोपुर, ढोलपुर, उसके बाद में करौली, अलवर या फिर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की भर्ती, बस इतना ही आज की भर्ती में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आपकी जो एग्जैक्ट डेट और लोकेशन होगी भर्ती की वो आपके लिए एडमिट कार्ड के द्वारा बता दी जाएगी, लेकिन आपकी जो अभी तक टेंटेटिव डेट है वो 7 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2020 के बीच में आपकी ये भर्ती आई हुई है। तो बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।